नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का स्वागत है ट्रिपल सी ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, अगर आप ट्रिपल सी के स्टूडेंट हैं, अगर आपका एग्ज़ाम है या एग्ज़ाम आने वाला है नेक्स्ट मंथ में, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो इस बार नया सिलेबस ऐड हुआ है उससे रिलेटेड इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे सीरीज में पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसको कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है ताकि यह एग्जीक्यूट हो सके। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन है। उसके बाद इसके चार ऑप्शन है, आपको एक सेलेक्ट करना है जो करेक्ट है। ए नंबर है नेचुरल लैंग्वेज, बी नंबर है लो लेवल लैंग्वेज, सी नंबर है हाई लेवल लैंग्वेज और डी नंबर है नन ऑफ दीज। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है मैं उसको बताऊंगा आप लोगों को। अगर आप उसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, बाद में पढ़ना चाहते हैं, तो स्क्रीनशॉट आप ज़रूर ले लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर मैं बात करता हूँ, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी सीरीज में, वो है हेक्साडेसिमल नंबर प्रणाली का आधार क्या होता है। अगर आपने बेसिक से कंप्यूटर पढ़ा होगा तो आपको हेक्साडेसिमल और ऑक्टल बहुत सारे आप बाइनरी आपने पढ़ी होगी, तो आपको ज़रूर पता होगा इसका आधार क्या होता है। तो इसमें 5, उसके बाद 16, 8, 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी नंबर 16। हेक्साडेसिमल का जो आधार होता है वो है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सीरीज में, HTML का पूर्ण रूप क्या होता है। तो HTML जैसा कि आपको पता है एक प्रकार की लैंग्वेज होती है जो कि बेसिक वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए यूज की जाती है। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मैनेजिंग लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लिंकिंग, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर थीम मार्कअप लिंक। अगर फर्स्ट टाइम अगर कोई ट्रिपल सी का एग्ज़ाम दे रहा है दोस्तों, तो आप ज़रूर कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ट्रिपल सी में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि आप लोग कन्फ्यूज हो जाएँ। तो आपको कन्फ्यूज जरा से भी नहीं होना, इसमें आपको सही से पहले इसकी मीनिंग समझ लेनी है, देन उसके बाद इसका करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। दोस्तों, जो हमारी इसमें ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो है सी नंबर सही है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि हमारे सीरीज में है, वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था। दुनिया के सबसे पहले यानी सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है। तो मैं आपको बता दूं, ए नंबर है एप्पल, बी नंबर है CDC 6600, उसके बाद यूनिवेक, उसके बाद नन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है जिसका एग्जैक्ट मैच कर रहा है वो है बी नंबर CDC 6600। तो इसमें करेक्ट आंसर बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में इंटरनेट क्या है। कॉमन सा क्वेश्चन है, क्योंकि इंटरनेट तो सभी चलाते हैं, लेकिन अभी मैं पूछ किसी से भी, कोई स्टूडेंट से भी, किसी भी पूछ लिया जाए कि इंटरनेट क्या होता है, तो शायद उसका आंसर ना दे पाए। तो मैं इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें वेबसाइट का समूह होता है, इंटरनेट सॉफ्टवेयर का समूह होता है, या नेटवर्क का समूह होता है, या वायर का समूह होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है उस बता दूँ, इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर नेटवर्क, यानी कि छोटे छोटे नेटवर्क को मिला के इंटरनेट बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती जो हमारे सीरीज में है, CD का डेवलपमेंट किसने किया। अगर CD आपने, अगर आपको तो पता ही होगा CD DVD के बारे में, तो अगर सपोज ऐसे क्वेश्चन उठ जाए कि CD किसने डेवलप की या DVD किसने डेवलप की, तो इसी तरह के कॉमन क्वेश्चन ट्रिपल सी मिल ही जाते हैं, ले जाते हैं। तो CD का डेवलपमेंट किसने किया, चार्ल्स बेबेज ने, मार्क जुकरबर्ग ने, जेम्स रूसेल ने, डी नन ऑफ दीज। तो इसमें जो करेक्ट आंसर वो है सी नंबर है, जेम्स रूसेल ने की है इसकी CD का डेवलपमेंट यानी कि आविष्कार। तो इसका करेक्ट आंसर सी है। अब नेक्स्ट सीरीज में जो है हमारे क्वेश्चन वो है, MS Word EXT मतलब इसका एक्सटेंशन, MS Word का एक्सटेंशन नाम होता है। MS Word आपने पढ़ा ही होगा, MS Office अगर ट्रिपल सी कर रहे हैं तो कॉमन है MS Word, MS Office। तो इसका जो एक्सटेंशन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि MS Word का एक्सटेंशन क्या होता है, Excel का एक्सटेंशन क्या होता है, PowerPoint का एक्सटेंशन क्या होता है। तो इसमें पूछ लिया गया MS Word का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो पहला है .doc, बी नंबर है .docx और सी नंबर है .com और डी नंबर है .txt। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, .doc भी MS Word का एक्सटेंशन है और .docx भी एक्सटेंशन नेम ही है, यानी कि MS Word के पहला A और B दोनों
इसके एक्सटेंशन नेम है। तो इसमें डिफरेंट क्या है मैं आपको ये भी बता दूं, जो .doc यानी ए नंबर है वो 2003 तक चलता था, यानी कि जो 2003 के MS ऑफिस का वर्जन था उसमें .doc चलता है, लेकिन 2007 के बाद जो 7 के बाद के वर्जन है उसमें बी नंबर चाहिए .docx यानी कि .docx लग गया, यानी लास्ट में x लग गया जो 7 के ऊपर के वर्जन है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सीरीज में वो है, एक वेबसाइट के प्रथम पेज को क्या कहते हैं। जैसे कि कोई भी आप वेबसाइट ओपन करते हैं, सपोज जैसे नीलेट की साइट जहाँ CCC आप फॉर्म फिल करते हैं तो, या किसी सरकारी रिजल्ट ओपन करते हैं, तो जो सबसे फर्स्ट पेज ओपन करता है ओपन होता है तो उसे क्या बोलते हैं। शायद बहुत ही कम लोग जानते हों कि उसे क्या बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है टॉप पेज, बी नंबर नॉर्मल पेज, होम पेज, मेन पेज। तो मैं इसकी बात करता हूँ, करेक्ट आंसर जो इसमें है वो सी नंबर है, उसे कहते हैं होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय सीरीज में वो है, इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का प्रयोग किया जाता है। तो इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्लाइंट सर्वर, बी नंबर कंप्यूटर सर्वर, सी नंबर चैट सर्वर, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए सी नंबर इसमें करेक्ट आंसर है, चैट सर्वर जो कि यूज किया जाता है, सी नंबर सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है माय सीरीज में वो है, यानी कि 3.5 इंच की फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है। ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही कॉमन होते हैं, इस तरह के ज़रूर आप क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो पहला ऑप्शन है वो आउटपुट इनपुट स्टोरेज में से कोई नहीं। अगर फ्लॉपी डिस्क आपने पढ़ा होगा डिस्कशन में पता होगा, ये एक प्रकार की ना आउटपुट है ना इनपुट है, ये स्टोरेज डिवाइस है, इसमें कुछ डेटा आता है जो कि आप डीपली पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन इसमें जो करेक्ट आंसर हो सी नंबर स्टोरेज। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये कमेंट करें, हमें बताएं कि हमें सर और क्वेश्चन चाहिए जिससे आपके एग्ज़ाम हमारे एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो। तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा कि सर नेक्स्ट सीरीज में और क्वेश्चन बढ़ाइए। तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट सीरीज में और भी क्वेश्चन ऐड करूँ और भी क्वेश्चन लाऊं जो कि आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट सीरीज में हो सकता है मैं और क्वेश्चन ऐड करूं जो आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन, अगर आपके कोई क्वेश्चन, आपकी कोई क्वेरी, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं CCC से रिलेटेड तो हमें कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसका सलूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय दोस्तों।